सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू आर एडिंग एब्सोल्युटली फाइन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंडिया का डाबर कैसे बन गया पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक ब्रांड। अगर आप सभी भी डाबर ब्रांड के फैन हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। डाबर की शुरुआत हुई थी 1884 में और इसके फाउंडर का नेम है डॉक्टर एसके बर्मन। डॉक्टर एसके बर्मन ने 1884 में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को बनाना शुरू किया था। करीब 50 साल बाद डाबर बन गई इंडिया के फुल फ्लेज्ड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। 1936 में डाबर रजिस्टर्ड थी अंडर डॉक्टर एस के बर्मन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। अराउंड 1986 डाबर को कन्वर्ट किया गया एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में और उसके बाद से डाबर का नेम हो गया डाबर इंडिया लिमिटेड। 1994 में डाबर ने अपना स्टॉक मार्केट में पहला IPO लॉन्च किया था और इसी साल डाबर ने एंटर किया था स्पेशलाइज कैंसर ट्रीटमेंट केयर के फील्ड में। 1997 से पहले डाबर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनाया करता था, बट 1997 में डाबर ने अपना फूड डिवीजन स्टार्ट किया फॉर प्रोडक्ट्स लाइक हनी एंड जूसेस। साल 2000 में डाबर ने 1000 करोड़ रुपीस का टर्नओवर क्रॉस किया और मात्र 6 साल बाद यानी 2006 में डाबर ने $2 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रॉस किया। 2007 में डाबर ने लॉन्च किया न्यू नैनोटेक केमोथेरेपी एजेंट नैनो एक्सेल को और 2008 में डाबर ने एक्वायर किया फेम केयर फार्मा को, जो कि उस वक्त की लीडिंग स्किन केयर ब्रांड थी। 2004 में डाबर ने लॉन्च किया था डाबर रेड पेस्ट को और लॉन्च होने के 5 साल बाद यानी ईयर 2009 में डाबर के इस प्रोडक्ट ने ज्वाइन किया 1 बिलियन रुपीज ब्रांड क्लब को। 2012 डाबर ने फाइनली क्रॉस किया $1 बिलियन टर्नओवर के मार्क को। ब्रांड जैसे कि रियल, वाटिका एंड आमला ने 1000 करोड़ रुपीस के टर्नओवर मार्क को टच किया और इसके अगले साल यानी 2016 में डाबर के ब्रांड जैसे कि गुलाबरी एंड डाबर लाल दंत मंजन ने 100 करोड़ रुपीस ईच का टर्नओवर क्रॉस कर लिया और ये 2021 में डाबर ने क्रॉस किया 1 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन और अगले साल यानी 2022 में डाबर का रेवेन्यू क्रॉस हो गया 10,000 करोड़। सो गाइस, ये थी डाबर की जर्नी कि कैसे इंडिया की एक छोटी सी कंपनी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और आप सभी गोदरेज की भी सक्सेस स्टोरी को चेकआउट कर सकते हैं और इस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाए।